जी थोड़ा सा पास बेटा। अच्छा बेटा अंदर जाके देखो। बाबूजी खाना पहले गरम हो दो। आप और कैंडी खाना पीना। मैंने पीना है। फिर तो अम्मी को चम्मच ला के दो। ये चम्मच पड़े हुए बल्कि ये दो हटो पीछे। कैसे पता है नमक कम है? मतलब बिना चेक किए तूने पहले नमक डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चले फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। क्यों बारिश हो रही है बच्चा? बच्चा बारिश हो रही है। मम्मी के चलना है, चलो। मम्मी के चले आ जाओ। आ जाओ अम्मी के चले आओ, जल्दी आओ। माऊ माऊ नो अम्मी अम्मी का ढांचा बजाओ। चलो भाई अम्मी के घर चले। अच्छा तो ये जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो ये उस दिन का था। अच्छा यहाँ पर जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ईद के तीसरे दिन का है। यहाँ पे एक जो ना कि कहते हैं फारूक ने अम्मी को कहा कि अम्मी आप सबको ना टिक्का वगैरह बना के खिलाएं, तो मैंने ना सबसे पहले यहाँ सूप चढ़ा दिया था एक पूरे चेस्ट पीस का। चलो आप घुमा घुमा घुमा। नहीं तो ये मोबाइल उससे मोबाइल से कनेक्ट होती है ना बेटा, उससे कनेक्ट नहीं होती ना इस वजह से। क्या नाम है ये वाईफाई से कनेक्ट नहीं होती। अच्छा 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 उल्टी सीधी सेटिंग नहीं ख़राब कर देना। तो यहाँ पर ना अम्मी जो थी ना ये टिक्के को मसाला लगाने लगी थी। अच्छा ये जो है ना चार मुर्गियाँ थी, पूरी मुर्गियाँ थी उनके जो है ना फोर चार चार पीसेस जैसे करवा लेते हैं बस वैसे चार चार पीसेस करवा लेते हैं। यहाँ पे भाभी जो थी वो लहसुन अदरक पीस रही थी। अच्छा तो यहाँ पे अम्मी ने क्या किया था कि ना जितनी देर में मैं लहसुन अदरक लेने गई हूँ किचन से तो ना अम्मी ने इसके अंदर क्या किया था, मिर्ची कलर और जो फूड कलर होता है रेड वो, और एक टिक्के का पैकेट मसाला का जो पैकेट होता है टिक्के वाला वो, और ना दही ये आधा किलो दही, और ये देखें एक पैकेट, और ये जो टिक्के का जो मसाला होता है ना सिंपल वही अम्मी ने जो है ना सारा इसमें मसाला लगा दिया। और यहाँ सब लोग बैठे हुए थे, भाई थे, फारूक थे और बच्चे वगैरह थे, तो बस शोर शराबा था। तो इस वजह से ना मैंने ज़रा सा ना म्यूट कर दिया आवाज़ को क्योंकि मैंने कहा सीढ़ी ना दुखे। अच्छा यहाँ पे अम्मी ने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। अच्छा जमा हुआ था लहसुन अदरक लेकिन ना अम्मी ने कहा फ्रेश जो होता है ना फ्रेश का जायका ही अलग होता है, तो इस वजह से अम्मी ने फ्रेश पिसवाया था लहसुन अदरक और वो इसके अंदर डाला था। और ये जो फारूक थे ना वो तंग कर रहे थे मुझे, पता नहीं क्या बोल रहे थे। और बस उसके बाद जो है ना वो अम्मी जो है ना इसको अच्छी तरह से ना मसाज कर लेंगी। तो अम्मी तो कम, भाई जो है ना वो ये फारूक और भाई जो है ना वो फिर इसको लग गए थे। ये देखेंगे पहले सबसे पहले एक भाई ने हाथ डाला इसके अंदर और उसने इसको मिलाया मिक्स किया, फिर जो है अब दूसरा भाई आएगा अब वो इसकी मसाज करेगा। जितना अच्छा इसके अंदर मसाला रचा हुआ होगा ना ये, और वैसे भी चिकन में तो टाइम ही नहीं लगता, इतनी जल्दी ये हो जाता है ना कि बस अम्मी ने यहाँ मैरिनेट करके रखा था और आधा पौना घंटा अम्मी ने मैरिनेट करके इसको रखा होगा और बस ये तैयार हो गया था, इसको ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा था बनने में। और बस इसको देखें भाई ने अच्छी तरह ना इसका मसाज कर दिया था। और फारूक जो थे वो कमेंट पास करे जा रहे थे, तंग कर रहे थे, सबको ही कर रहे थे सिर्फ मुझे ही नहीं। अच्छा यहाँ पे फिर अम्मी ने क्या किया था कि जो है ना इसमें तेल जो होता है देसी घी वो अम्मी ने थोड़ा सा इसके अंदर देसी घी भी डाल दिया था क्योंकि ना देसी घी की एक अरोमा एक खुशबू बहुत अच्छी लगती है।
अच्छा उसके बाद ना यहाँ पे जो ना घंटे के करीब शायद अम्मी ने रखा होगा, और उसके बाद जो ना इसको पतीली में कन्वर्ट करके ऊपर से देखें थोड़ा सा अम्मी ने तेल डाला इसके अंदर, और एज़ यूजुअल सब अम्मी के पास ही बैठे हैं लड़के वगैरह, क्योंकि अम्मी पका रही हो तो फिर सब अम्मी के पास होते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो अम्मी ने बस ना इसका चूल्हा ऑन कर दिया था और इसका कुछ भी नहीं किया था, बस ये खुद ही दम में हो जाएगा। और इतनी देर में ना जो मेरी भाभी है सेकंड नंबर वाली फरहान भाई की बेगम, उन्होंने जो है ना यहाँ पे चटनी बना ली थी, और अम्मी ने इसके अंदर ना थोड़ा सा सोया सॉस भी डाला है, क्योंकि अम्मी कह रही थी सोया सॉस का भी ना एक जो जायका आता है वो भी अच्छा लगता है, डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें बेशक मत डालें, कोई वो नहीं है कि ज़रूरी है आपने डालना है। और ये देखें ये सभी अम्मी के पास बैठे हुए थे, और बस इसको अम्मी ने बस एक चम्मच चलाया और ढक के रख दिया। और ये देखें ये उसने क्या कहते हैं दही ने ना अपना पानी छोड़ा है, चिकन का भी पानी निकलता है वो भी था। और ये देखें इसी दम में ना कतरे हो गए अच्छा तेल, अली भाई कितने कतरे हो गए तेल के, गिल लिया आपने, जो भर रहा है यार, ये तो खाली कढ़ाई थी, कतरे कतरा देखो, अच्छा कतरा कतरा जो है ना ये अली भाई कतरा कतरा। अच्छा उसके बाद जो है ना फिर वो क्या कहते हैं अम्मी ने इसके साथ जो है ना फ्राइज भी काट लिए थे, और फ्राइज पे ना अम्मी ने बहुत ही सिंपल सा मसाला लगाया था, मैदा और जो चीज़ें और नमक थोड़ा सा थोड़ी सी कुटी मिर्च वगैरह ये चीज़ें लगा के अम्मी ने इसको अच्छी तरह से जो है ना क्या कहते हैं कोडिंग कर ली थी, और उसके बाद जो है ना बस इसमें डाल दिया था, और बस ये फ्राइज होते रहेंगे फ्राई, और अम्मी जो है ना निकालती रहेंगी और बच्चे साथ साथ खाते रहेंगे, ये भी काम हो रहे थे साथ साथ। और ना कुछ बच्चों के ना हम लोग एक दिन पहले ना होकर आए थे सुनहरा बीच, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है ना, देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। तो जो है ना वहाँ से भी जब हम होकर आए ना तो उसके भी ना बच्चों के पता नहीं क्या हुआ था, कुछ पेट ख़राब हुए हुए थे, तो आधे से ज़्यादा लोगों को ना मोशन लग गए थे तो ना इस वजह से भी फ्राइज़ का मना कर रहे थे कि ना ना ही खाएँ ज़्यादा, और ना थकावट भी इतनी हुई हुई थी कि हम लोगों को ना मतलब सेट होने में ही ना हमें 2 दिन लग गए थे, कि क्योंकि ना पता नहीं बीचेस वगैरह पे जाओ ना तो वो शायद उसकी भी थकावट बहुत हो जाती है। अच्छा खैर यहाँ पर ना बच्चियों के ये देखें अम्मी ने ये वाले सूट जो थे ना सिए थे, सब बच्चियों के अम्मी ने सिए थे, जाहिद भाई की बेटी के, मेरी बेटियों के, और इमरान भाई की, और अली भाई की, सब के जो है ना बच्चों के सिए थे, तो बड़ी प्यारी बच्चियाँ लग रही थी। तो यहाँ पर ना ये अब तो खैर ना ये रात को 1 बजे का टाइम है, जो ना ये अब हाल देखें आप नोवेरा मैडम का, पूरे बाल मैडम के खुल गए हैं, बुरा हाल हो गया है, ये घर पे वापस आने के बाद की है इनकी। तो जो है ना फारूक जो थे ना वो जिमुरानों को साथ ले आए थे, तो वो क्योंकि ना जिमो को ना गोद से नहीं उतर रही थी इनके, तो फिर ये ना अपने साथ ही इसको ले आए थे। अच्छा यहाँ पर फिर ना अम्मी सूप बना रही थी, अच्छा जो इसे यखनी चढ़ाते हैं ना वैसे ही मैंने यखनी चढ़ाई थी, पूरी एक चेस्ट पीस लिया था, उसमें लहसुन अदरक प्याज और नमक डाल के चढ़ा दिया था, वो अच्छा सा जो है ना उसको बॉयल आया, कोई 1-1.5 घंटा वो पका था, और जो है ना जब वो पक गया था तो फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे अम्मी ने इसके अंदर जो है ना कॉर्नफ्लोर जो होता है वो डाला है अम्मी ने। अच्छा क्वांटिटी वगैरह मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे अच्छा खासा जो है ना अम्मी ने बनाया था, आप लोगों ने अगर देखना हो तो डिटेल रेसिपी भी मेरे चैनल पे कई बार मैंने सर्दियों में तो बहुत बनाया है सूप, अगर देखना हो तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पे अम्मी ने कॉर्नफ्लोर डाल दिया था, और जब कॉर्नफ्लोर अच्छा सा बॉयल आ जाएगा इसके अंदर तो बस फिर अम्मी जो है ना अंडे डाल देंगी। अच्छा चिकन जो है ना वो अच्छे खासा इसमें डालिए, क्योंकि सूप में ज़्यादा चिकन हो तो ही मज़ा आता है, वो कहीं कहीं जो नज़र आ रहा होता है ना वो मज़ा नहीं आता है। और जो है ना आगे सबके अपने अपने प्रेफरेंस होती है, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं, हमें ज़रा सा थोड़ा सा चिकन ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है ज़्यादा। अच्छा अम्मी ने यहाँ लंबे लंबे रेशे बनाने थे इसलिए अम्मी फ़ौरन चमचा नहीं चलाया था, थोड़ी देर अम्मी ने चला के इसके अंदर छोड़ दिया था, डाल के छोड़ दिया था, और फिर बाद में अम्मी ने इसके अंदर चम्मच चलाया था। अच्छा तो बस यहाँ पर ना ये 1-2 बॉयल आ रहे हैं तो बस ये तैयार है। अच्छा चिकन ना अम्मी ने बहुत छोटे छोटे पीसेस नहीं किए हैं, रेशा नहीं किया है, ज़रा ना थोड़ा ना मोटा मोटा सही अम्मी ने रख के इसके अंदर डाला है।
और बहुत ही ये सिंपल सा था और हम लोगों को इतना मज़ा आया। बस अम्मी ने तिक्का था और शायद कोसला अम्मी ने बना लिया था, चटनी वगैरह थी, केचप मायनीज थी, बाज़ार की रोटी मंगा ली थी और साथ में सूप था। अच्छा, ये फारूक ने अम्मी से फरमाइश करके ये सारी चीज़ें बनवाई थी कि अम्मी आप बनाएं और खिलाएं हम सबको। तो बेचारी अम्मी क्या करती, मेरी अम्मी ने बनाया अपने भतीजे की फरमाइश पे और सबको खिलाया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सूप दिखा रही थी और बस ये सब कुछ यहाँ पे तैयार था। फिर दस्तरखान वगैरह लग गया था और फिर हम लोगों ने सब ने बैठ के खाना वगैरह खा लिया था। अच्छा, कोसलो भी ना अम्मी ने वैसे ही बनाया था जैसे बनाती हैं अम्मी, बन गोभी, मायनीज़, नमक, थोड़ा सा काली मिर्च और जो है थोड़ी सी ना चुटकी भर चीनी भी अम्मी इसके अंदर डालती हैं। आप लोग डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। अच्छा, कैरेट हो तो वो भी इसके अंदर बिल्कुल हल्की अच्छी सी ना क्या कहते हैं कद्दूकश करके बारीक बारीक बिल्कुल सी वो भी डाल लें और ना बहुत मज़े का ये भी बनता है। साथ में खीरा वगैरह काट लिए थे, चटनियाँ थी, ग्रीन चटनी थी, केचप था, जिसको जो चीज़ पसंद है वो डाल लें। खैर, और जो है ना यहाँ पर जो है ना अम्मी जो है ना वो हमेशा की तरह प्लेटें बना बना के सबको दे रही थी और साथ में ना बाज़ार की रोटी भी ले आए थे। बस हम लोगों ने दस्तरखान लगाया और सब ने बैठ के फिर इन्जॉय किया था। और ये हॉटपॉट भी दोबारा से आ गए हैं पलट के, जैसे पहले वाले जो चले थे ये कपड़े वाले हॉटपॉट जो इनके नीचे भी नेट होती है ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, ये दोबारा से ये वाले ना हॉटपॉट आए हैं। तो सबसे छोटी वाली जो भाभी है ना वो लेकर आई है ये दोबारा से हॉटपॉट। और यहाँ पे बच्चियाँ सारी ये बैठी हुई थी, बच्चियों को सबसे पहले अम्मी ने बच्चों को दे दिया था ताकि बच्चे बैठ के आराम से सुकून खा लें। बच्चे बैठ जाते हैं ना तो फिर सुकून हो जाता है कि जो है ना बच्चों ने खा लिया, क्योंकि असल ना बच्चे ही उछल कूद बच्चों ने ही मचाई हुई होती है। और बस यहाँ पे बैठ के ये मेरी भी प्लेट आ गई थी और सूप वगैरह फिर साथ में बना के वो भी पी लिया था। इसमें थोड़ी सी ना सोया सॉस का सब वगैरह डाल लिया था इसके अंदर। और चलें फिर इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, दाव में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।